हाय एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं दो बॉडी लोशंस के ऑप्शंस के बारे में बात करने वाली हूँ जो आप कंसीडर कर सकते हैं इस विंटर सीजन में। एज यू नो कि हम एकदम वो ट्रांजिशन वाले फेज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम एकदम विंटर्स में अभी एंटर कर ही रहे हैं। एंड मी तो लाइक कम फ्रॉम हिमाचल, तो यहाँ पे तो विंटर्स ऑफिशियली आ ही चुकी है। तो अभी आई कैन जस्ट सी कि स्किन पे वो ड्राइनेस होना शुरू हो गई है। एंड ऑल्सो बिकॉज हम अभी ना गर्म पानी से शावर लेते हैं, तो ऑलरेडी काफी गर्म पानी से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो इवन आई वॉज लुकिंग फॉर सम रियली नाइस यू नो बॉडी लोशंस ऑप्शंस। तो दो ऑप्शंस हैं जो मैंने एक महीना पहले खरीद लिए थे और मैं उन्हें आजकल रेगुलरली यूज भी कर रही हूँ। एंड आई एम रियली लाइकिंग द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू ऑल एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दीज आर टू, फर्स्ट वन इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल फिक्स डर्मा एंड सेकेंड वन इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल नेचर फॉर नेचर। फिक्स डर्मा की पहले बात कर देते हैं। यह उनके ड्यूरावे रेंज से ब्राइटनिंग बॉडी लोशन, ब्राइटर एंड मोर रेडियंट कॉम्प्लेक्शन, फेस डार्क स्पॉट्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन, सूट्स ऑल स्किन टाइप, साइब्राइट जी व्हाइट मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, ये सब इंग्रीडियंट इसके अंदर है। इसमें पीएच लेवल भी इसका दिया है 5.5, विच इज अ बैलेंस्ड पीएच लेवल फॉर योर बॉडी, रिकमेंडेड एंड टेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। व्हाट इट कंटेन्स का जो ये कॉलम है जहां पे इसमें साइब्राइट जी लिखा है जो कि रिड्यूस करता है पिगमेंटेशन एंड मेक स्किन ब्राइट, व्हाइट मलबरी एक्सट्रैक्ट है जो कि रेगुलेट करता है मेलानिन प्रोडक्शन, रिड्यूस डार्क स्पॉट्स, सेरामाइड कॉम्प्लेक्स है जो कि रिस्टोर करता है स्किन बैरियर एंड इट्स नॉर्मल पीएच टू 5.5। ठीक है, तो इन सब चीजों पर काम करता है। 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ है और ये आपको 499-500 के अराउंड मिल जाता है। क्वांटिटी 200 ml की है, विच इज लाइक क्वाइट नाइस। इट ऑफर्स प्रोलॉन्ग्ड हाइड्रेशन एंड ऑफर्स अ रेडियंट एंड यूथफुल स्किन। सो ये सब चीजें इन्होंने क्लेम की है, इससे कि कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है। एंड देन व्हेन वी ओपन इट, दिस इज द ट्यूब। और आजकल यू नो मैं इसे यूज कर रही हूँ, तो यू जस्ट नीड वेरी लिटिल प्रोडक्ट। एक्चुअली मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए दिस इज द कंसिस्टेंसी। और मैं हर दिन इतना ही प्रोडक्ट लेती हूँ एंड वो काफी होते हैं मेरी फुल आर्म्स के लिए एंड हैंड्स के लिए। ये देखिए, कैन जस्ट सी, एक सेकेंड में गायब हो गया पूरा आपका बॉडी लोशन। एंड ये देखिए कुछ इस तरह का ड्यूइनेस एंड ग्लोई यू नो स्किन पे इफेक्ट लेके आता है। ये देखिए, इसके अंदर ना बहुत ही अच्छी ऐसे प्लीजिंग सी फ्रेग्रेंस है जो कि मोस्टली कोल्ड क्रीम्स में हुआ करती थी, बट इट्स वेरी नाइस, बहुत ही प्लीजिंग सी फ्रेग्रेंस। ये देखिए, कैन यू जस्ट सी डिफरेंस, कितना रिच टेक्सचर, स्मूथ सपल टेक्सचर ये स्किन पे लेके आता है। तो ये तो मुझे बहुत पसंद है लिटरली। एक और चीज की मैं बात करने वाली हूँ कि बॉडी लोशन तो बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं, बट एक मेजर जो कंसर्न आपने देखा होगा विंटर्स में, बॉडी लोशन लगाया जस्ट 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद वो कहीं गायब हो जाता है, स्किन दोबारा ड्राई हो जाती है। बट ये जो बॉडी लोशन है ना, इसमें यही खास बात है कि आपकी स्किन को ये काफी लंबे समय तक हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। आई हैव सीन, अभी मैंने इसे अप्लाई कर लिया, यू नो सबसे पहले कोई स्टिकीनेस ग्रीसीनेस नहीं, एकदम से नॉर्मल स्किन पे जज हो गया, बहुत अच्छे से एक ड्यूइनेस है स्किन पे। एंड बहुत अच्छे से आई हैव सीन कि 5-1 घंटे तक ये ऐसे रहेगा स्किन पे, स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी। उसके बाद आप हल्का फुल्का इसे रीअप्लाई कर सकते हैं। बट 5-1 घंटे तक भी कोई बॉडी लोशन लास्ट कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट टू गुड थिंग। तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हैं इस विंटर सीजन में, मुझे तो काफी अच्छा लगा। फिक्स डर्मा की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट की बात करती हूँ नेचर फॉर नेचर का, ये शिया बटर एंड वेटीबर सूदिंग बॉडी लोशन। ये हाइड्रेट करते हैं, सूद करते हैं स्किन को, 100 ml की क्वांटिटी इसमें मिलेगी। दिस इज एट लिटिल एट एक्सपेंसिव साइड, आपको आई थिंक 700-800 रुपए में मिलता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, और शेल्फ लाइफ इसमें आपको 3 ईयर्स की मिलती है। ठीक है, बाकी इन्होंने क्या हाइड्रेट और सूद करता है, सिर्फ ये चीज इन्होंने मेन क्लेम की है। ठीक है, दिस इज द बॉडी लोशन, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और चलो इस साइड दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखिए कुछ सेम इफेक्ट आपको स्किन पे लेके आता है, सेम सपलनेस नरिशमेंट स्किन पे लेके आएगा एंड लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन को नरिश और हाइड्रेट रखेगा। बहुत जल्दी अगेन दोबारा आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है इसको यूज करने के बाद, तो इसका भी यही प्लस पॉइंट है। ये देखिए, और बिल्कुल भी स्टिकी ग्रीसी नहीं, ये देखिए बहुत अच्छे से नरिश एंड हाइड्रेट है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है और मैंने
क्वांटिटी 100 ml की मिलती है. तो हाँ, बट या अगर आप एक अच्छा बॉडी लोशन ढूंढ रहे हैं, जैसे आप ऑफिस को गए हैं, नॉर्मली भी यार घर पे भी अगर आपको बार बार बॉडी लोशन अप्लाई करना पड़ता है, तो आप इनकी तरफ चल सकते हैं. एक बार यूज करिए, 5-6 घंटे तक वाला एक डन. ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है जो मुझे अच्छे लगे. और भी मैंने काफी सारे बॉडी लोशन ट्राई किए हैं, बट जस्ट क्योंकि लंबे समय तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, फॉर दैट कॉज आई रियली लाइक दीज टू. तो आप भी इनमें से इनको कंसीडर कर सकते हैं, दोनों मुझे काफी अच्छे लगते हैं. बट इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरा फेवरेट है, फिक्स्ट्रामा 1. ये भी काफी अच्छी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही नॉर्मल है, बट इसकी बहुत प्लीजिंग टाइप्स है. सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो. आई होप यू लव्ड टूडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ये देखिए, कुछ सेम इफेक्ट आपको स्किन पे लेके आता है, सेम सपलनेस नरिशमेंट स्किन पे लेके आएगा, एंड लॉन्ग टाइम तक आपकी स्किन को नरिश और हाइड्रेट रखेगा. बहुत जल्दी अगेन दोबारा आपकी स्किन ड्राई नहीं होती इसको यूज करने के बाद, तो इसका भी यही प्लस पॉइंट है. ये देखिए, और बिल्कुल भी स्टिकी ग्रीसी नहीं. ये देखिए, कंजेस बोथ सी बोथ ऑफ माई हैंड्स, बहुत अच्छे से नरिश एंड हाइड्रेट है. थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, और मैंने क्वांटिटी 100 ml की मिलती है. तो हाँ, बट या अगर आप एक अच्छा बॉडी लोशन ढूंढ रहे हैं, जैसे आप ऑफिस को गए हैं, नॉर्मली भी यार घर पे भी अगर आपको बार बार बॉडी लोशन अप्लाई करना पड़ता है, तो आप इनकी तरफ चल सकते हैं. एक बार यूज करिए, 5-6 घंटे तक वाला एक डन. ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है जो मुझे अच्छे लगे. और भी मैंने काफी सारे बॉडी लोशन ट्राई किए हैं, बट जस्ट क्योंकि लंबे समय तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, फॉर दैट कॉज आई रियली लाइक दीज टू. तो आप भी इनमें से इनको कंसीडर कर सकते हैं, दोनों मुझे काफी अच्छे लगते हैं. बट इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरा फेवरेट है, फिक्स्ट्रामा 1. ये भी काफी अच्छी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही नॉर्मल है, बट इसकी बहुत प्लीजिंग टाइप्स है. सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो. आई होप यू लव्ड टूडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.